हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से निकल चुके हैं खेतों की ओर। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ खेतों में, पुरानी कमीज एक बार फिर से पहन लिए। यानी मैं जा रहा हूँ दाल के लिए, तो खेतों से लेनी है मुझे दाल और उसके लिए पुरानी कमीज पहननी है ताकि खुजली ना हो। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से मुलाकात करते हैं, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गर्वा ब्लॉग। तो चलिए अब चलते हैं। और सामने मुझे स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो उससे अपनी कुछ पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं सामान स्कूल के लिए। तो मैं भी अपने टाइम पे बहुत सारे लेता था और ऐसे दुकान में जाना अच्छा लगता था। तो देखो निकल चुके हैं, इनसे अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। तो अभी मैं हूँ अपने गांव के राजीव पंचायत भवन पे। और यहाँ से देखो हमारे खेत, कुछ दिन पहले यहाँ पे धान थी, लेकिन अभी जो है धान ख़त्म हो गई। और जो धान नीचे झड़ी होगी ना, उससे देखो फिर से नए पौधे उगाए हैं। और वो पौधे देखो कितने हरे लग रहे हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से मेरे गांव का नज़ारा, और मेरा घर वहाँ है आगे पे। और ये जो पंचायत भवन है वो हमारे गांव के एंड पे है। यहाँ से गांव एंड होता है और दूसरा मोहल्ला स्टार्ट होता है, तो इस एंड पे है। और उस जहाँ मेरा घर है वो उस वाली एंड पे है। तो गांव का बीच में ये पंचायत भवन बना है, और यहाँ से दूर दूर तक दिखता है। नीचे जो लास्ट खेत है वहाँ से इधर वाले अपने लास्ट खेत हैं, ऊपर वाले सामने वाले खेत, और इधर पीछे वाले लास्ट खेत, सारी जगह दिखता है। ये देखो काफ़ी अच्छी जगह पे बना है। वैसे एक नया दिन और निकल पड़े हैं फिर से खेतों की ओर। आजकल जो काम हो रहा है वो बिल्कुल मंडाई का काम है, और एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मंडाई नहीं हो रही है। तो आज देखूंगा दो या तीन खेतों का मांड दूंगा, और उसके बाद जो है बाकी एक ही दिन करेंगे। तो अभी मैं नवाड़ो जा रहा हूँ। नवाड़ो जो खेत है तो घर के साइड है, तो पहले ऊपर वाले खेत में गए हैं तो उस वाले खेत की मंडाई करेंगे। फिर एक खेत नीचे है उसकी मंडाई करेंगे। तो जिस हिसाब से टाइम होगा उस हिसाब से हम जो है वो मंडाई करेंगे। एक खेत की मंडाई तो हो ही गई है, और ये 50 किलो का कट्टा है। तो एक वाले खेत में इस बार इतना धान हुआ है, और इसे जो है घर पे रखता हूँ। उसके बाद दूसरे खेत में जाना है, और मौसम भी धीरे धीरे बदल ही रहा है, तो कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए साथ साथ मैं ये कट्टे हैं ना इन्हें भी घर रख रहा हूँ। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मौसम क्या करता है। और देखेंगे जो भी पॉसिबल होगा, अगर लगेगा कि बारिश आ रही है तो नहीं मांडेंगे, और अगर मौसम सही रहा तो मांड देंगे आज। तो अभी जो है एक खेत का मांड के ख़त्म किया, वो थैला घर पे रखा है। तो अब मैं जा रहा हूँ दुकान से थोड़ा कुछ खाने को लेके जाऊँगा, फिर जाऊँगा खेत में, क्योंकि धूप भी लग जाती है ऐसे काम करते करते। चलते हैं अब खेत में। तो बंडाई कर रहे थे, और बंडाई के बीच में बारिश लगी हुई है। बारिश में अभी हमें मंडाई करनी पड़ रही है, अब ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने पड़ेगा इसे, वरना जो हमारा सारा धान है वो तो भीग जाएगा। तो आज जो है इस बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश लग जाएगी, और बारिश जो है इतनी तेज़ लगी है। मैं इतना भीग गया हूँ, तो हमारी फसल कितनी भीगी होगी। वहाँ तिरपाल में पूरा पानी इकट्ठा हो गया था, तो बारिश की वजह से फ़ोन का कैमरा ही नहीं चल रहा था। तब जो है तो बिल्कुल इधर उधर हो रहा था, तो इसलिए मैं कैमरा नहीं खोल पाया। तो अभी भाग के घर चलते हैं। घर पर दाल वगैरह सारी ऐसी पड़ी हुई है, सबको इकट्ठा करके रखना,
सबसे पहले घर चलते हैं। तो अगर हम होते किसी और की जगह तो हम और की दाल को इकट्ठा कर देते और उसमें फिर पाल डाल देते, लेकिन सबने वहाँ पे देखी कि हमारी दाल भीग रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई। लोगों और आप पे यही अंतर होता है कि लोग आपकी मदद नहीं करते और आप जो है सबकी मदद करते फिरते हैं। तो आजकल पैर पे चोट भी लगी है और बार बार उससे जो है खुद के पैर के लग रही है और इतना गुस्सा आ रहा है कि पहले तो धान की मंडाई, ऊपर से बारिश और सारी धान भी भीगी, तो क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा है। सोचा नहीं था इतना कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मिल चुका है तो मम्मी के आने का वेट करेंगे। मम्मी कब आएगी तब तक चाय बना लेते, चाय पियेंगे अब आराम से इस बारिश में बैठ के। और उसमें मैं कुछ खाने के लिए लाया था पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न खाएंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा भीग चुका हूँ, सबसे पहले खुद को पहुँचते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद चाय बनाते हैं, कपड़े बदलते हैं। ये लो बारिश होगी, अभी इसको रुकना ज़रूरी था, अब तो ये 100% रुक गई क्योंकि इसने अब सारा नुकसान तो कर ही दिया, जो भी काम करना था वो तो कर दिया और अब इसको रुकना ज़रूरी है। वाह वाह क्या मौसम है, वाह। तो शाम का टाइम है और बारिश रुक गई है, तो अभी हम जाने वाले हैं मंदिर पे। यहाँ पे नया कलर लग रहा है, वाह अभी चमका दिया मंदिर मस्त एकदम से। तेरा पुअर कंडीशन, वाह अब सही लग रहा है मंदिर। तो बड़ी मुश्किल से रुक चुकी है बारिश और अब जा रहे हैं जावरी। तो संतोष को शादी के लिए चाहिए थोड़ा मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल को हमारे लिए तो पता क्या बोलते हैं, मर्त्योल। तो मिट्टी के तेल के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे ना थोड़ा बात भी चल रही थी, कोई देगा तो सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं खुद ही, और शादी में बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो अभी जो है वो अकेला ही घर पे है, तो उसकी सब बहुत सारी हेल्प करनी पड़ रही है। तो गांव में अक्सर होता है ऐसा ही है कि जैसे किसी की शादी होगी तो उनके यहाँ सारे काम गांव वाले मिलके ही करते हैं, बाकी जैसे शहरों में होता है कि जिस दिन शादी होती है उसी दिन बस लोग चले जाते हैं आसपास के जिनको इन्विटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऐसा होता है कि गांव वाले मिलजुल के सारे काम करते हैं और उसके बाद ही जो शादी निपटती है। तो जब तक शादी पूरी निपट नहीं जाती तो तब तक जो है गांव वाले उनकी मदद करते रहेंगे, और अभी जो है उसी मदद के चक्कर में जावरी जाना पड़ रहा है। तो अब चलते हैं जावरी और देखते हैं कि क्या क्या दिखता है अभी स्वास्थ्य में नया कुछ। तो आज जो है वो काफ़ी खतरनाक बारिश लगी थी, जिस वजह से जो हमारी धान थी वो भीग चुकी थी और ऐसे हमें ब्लॉग बनाना पड़ा। तो काफ़ी मुश्किलें आजकल पहाड़ों में हो रही है, तो ऐसी मुश्किलों का सामना रोज़ ही करना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम से पहुँच सके। उसके अलावा इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। तो तब तक के ले लेता हूँ मैं आप सभी लोगों से अलविदा, बाय दोस्तों।